नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर खबर। जी हां दोस्तों, मात्र दो मिनट पहले की सबसे बड़ी और आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले कि हेडपंप में पानी की जगह शराब यानी कि दारू निकल रही है तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। जब दोस्तों पुलिस प्रशासन के द्वारा देखा गया कि हेडपंप से पानी की जगह शराब निकल रही है तो दोस्तों पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोस्तों आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी। दुनिया भर में कई लोग जो शराब पीना पसंद करते हैं, हालांकि कभी ऐसा हो कि हेडपंप चलाते ही शराब निकलने लगे तो सुनकर हैरत हुई ना, लेकिन ऐसा मामला दतिया जिले से सामने आया है। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में दबिश दी और यहां घर में लगे हुए हेडपंप को देखकर पुलिस ने हेडपंप को चलाया तो हेडपंप में से पानी की जगह शराब निकलने लगा। जी हाँ, इस दौरान यहाँ का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। यह पूरा मामला दतिया जिले के प्रकाश नगर कंजर डेरा इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ मुखबिर की सूचना पर प्रकाश नगर कंजर डेरा पहुंची और दोस्तों पुलिस सिविल लाइन थाना पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि प्रकाश नगर कंजर डेरा में स्थित एक घर में शराब की बड़ी खेप रखी हुई है। इस बारे में सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गई और उसके बाद यहाँ पुलिस ने विनोद कंजर के घर पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस ने विनोद कंजर के घर में छापा मारा तो विनोद कंजर घर से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शराब ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने पानी पीने के लिए हेडपंप चलाया तो हेडपंप से पानी की जगह शराब निकलने लगी। यह सब देखकर सभी पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। बताया जा रहा है कि विनोद कंजर ने पुलिस की नजरों से शराब को बचाने के लिए जमीन के अंदर ही शराब से भरा पूरा टैंकर दफना दिया था और टैंकर के ऊपर ही हेडपंप लगा दिया गया था। दोस्तों फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 200 लीटर कच्ची शराब पुलिस के हाथ लगी है। केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा कच्ची शराब तैयार करने के लिए बनाया गया घोल भी पुलिस के हाथ से चढ़ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ जाती हैं। देश दुनिया से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आप अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें तथा हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।